24 जून को होने वाले दीबा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामांतरण आंदोलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोइंबई मनपा क्षेत्र समन्वय समिति के अध्यक्ष मनोहर पाटिल, पूर्व सांसद संजीव नाइक और वरिष्ठ नेता दशरथ भगत एवं डॉक्टर राजेश पाटिल ने बताया कि सरकार लाख कोशिश करे एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम दिलाने आंदोलन होकर रहेगा। सर्वपक्षी नेताओं ने कहा कि 40,000 से अधिक नोइंबईकर इस आंदोलन में शामिल होंगे और सिटको मुख्यालय का घेराव करेंगे। देखिए रिपोर्ट। नोइंबई एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम दिलाने 24 जून को एक बार फिर प्रकल्पग्रस्तों ने आंदोलन की तैयारी कर ली है। इस बार नोइंबईकर और प्रकल्पग्रस्त सीधे सिडको मुख्यालय का घेराव करने वाले हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए नोइंबई मनपा क्षेत्र समन्वय समिति के अध्यक्ष मनोहर पाटिल ने बताया कि इस बार का आंदोलन और भी धारदार एवं प्रभावी होगा ताकि सिडको प्रशासन और राज्य सरकार को जगाया जा सके। इस अवसर पर पूर्व सांसद संजीव नाइक, वरिष्ठ नेता दशरथ भगत एवं डॉक्टर राजेश पाटिल, संतोष केने और दीपक पाटिल समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। प्रकल्पग्रस्त नेताओं ने आंदोलन की रणनीति को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ये दीबा पाटिल साहब का विमानतल का नामकरण का इश्यू है और ये हम लोग जब तक दीबा पाटिल साहब का विमानतल को नामकरण नहीं होता है तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। हजारों लोग वहाँ से सिडको तरफ घेराव करेंगे। हम लोग सब सामान्य कार्यकर्ता, उन लोग को भी दबाव दे रहा है, फिर भी हम लोग उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा कितने भी नोटिस आने दो, कितने भी गुने होने दो, हम प्रकल्पग्रस्त दीबा पाटिल के लिए वो गुने झेलने के लिए तैयार है। दीबा पाटलांचं नाव हे नोइंबईला लागलं पाहिजे असं माननीय नाना पाटील साहेबांनी जाहीर पण केलेलं आहे, ठराव झालेला आहे, त्याचं पत्र मुख्यमंत्र्यांना जाणार आहे। म्हणजे सर्वपक्षीय समिती आणि काँग्रेसची भूमिका आहे, ओबीसी आणि भूमिपत्रावर राहिली। क्या सर देखा, वो पिक्चर देखा ना सरकार ने क्या किया कि आंदोलन सक्सेस न हो, अयशस्वी हो, इसीलिए नेशनल हाईवे बंद किया। वो उसके माध्यम से नेशनल हाईवे बंद करने के माध्यम से करोड़ों जनता को उसने तकलीफ दिया। सरकार गलत काम कर रही है और ये बार गलत काम करेगी तो जनता आई ना बोले, लेकिन हमारा काम है शांति। बताना जरूरी है कि नोइंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सत्तारूढ़ शिवसेना सरकार ने बाला साहब ठाकरे का नाम प्रस्तावित किया है। हालांकि प्रकल्पग्रस्त दीबा पाटिल का नाम दिलाने की मांग कर रहे हैं और 24 जून को दीबा पाटिल की 10वीं पुण्यतिथि पर इस बार भूमिपुत्रों के साथ शहरी और झोपड़पट्टी इलाकों के रहवासी भी आंदोलन में हिस्सा लेने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।